अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कुर्बानी का सारा गोश्त खा लो मगर ये सात चीज़ें मत खाओ। हाँ जी, वो सात चीज़ें कौन सी हैं? वो सात चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, इनको ध्यान में रखिएगा, इनको नहीं खाना हमने। नंबर एक, दमे मसफूह। दमे मसफूह किससे कहते हैं? बहने वाला खून, जब ज़िबा करते हैं जानवर को जो खून निकलता है उसको दमे मसफूह कहा जाता है, बहने वाला खून। तो इसको हम नहीं खा सकते, नहीं पी सकते, कुछ नहीं कर सकते। गोश्त को लगे, गोश्त को अच्छी तरह धोकर फिर उस गोश्त को पकाइए आप, ठीक है। पेशाब की जगह, नर और मादा जानवर है, मुजक्कर मोनस, उनकी पेशाब की जगह है, जो अगली पेशाब की जगह होती है, वो भी हम नहीं खा सकते किसी की भी, ठीक है। खुशिये, खुशिये जिसको हम कपूरे कहते हैं, ये भी हम इसको, इनको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आम मुहावरे में इनको टकटक कहा जाता है, लोग इनको बड़े शौक से खाते हैं, इनको भी हम नहीं खा सकते। अच्छा, पखाने वाली जगह, जिसको पखाने वाली जगह, इसको भी हम नहीं खा सकते। तो पखाने वाली जगह होती है, वो नर की हो, मादा की हो, पहले बताया जो पेशाब वाली जगह है, अब पखाने वाली जगह, इसको भी हम नहीं खा सकते, ठीक है। गुदूद, सख्त किस्म का एक गोश्त होता है जो जानवर में होता है, उसको भी हम नहीं खा सकते। आप कसाई से पूछे, वो आपको बेहतरीन तरीके से समझा देगा कि हदूद ये वाला होता है, ठीक है। मसाना, यानी कि जो पेशाब की थैली होती है उसको भी हम नहीं खा सकते। पित्ता जो जानवर में निकलता है उसको भी हम नहीं खा सकते। ये सात किस्म के जानवर हैं, दबे मसफू, बहने वाला खून, पेशाब की जगह, नर मादा दोनों की है, खुशियत है जिसको कपूरे कहते हैं, टकटक भी कहा जाता है, पखाने वाली जगह, पहले पेशाब पखाने वाली जगह, इसके अलावा गुदूद जो सख्त किस्म का गोश्त होता है उसको भी नहीं खा सकते। पेशाब जो सर ये मसाना जो पेशाब की थैली होती है उसको भी नहीं खा सकते, और इसके अलावा पित्ता, इसको भी नहीं खा सकते। ये सात अज़ा ऐसे हैं कि जो जानवर के खाना हराम है, इनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। दुआ याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।